गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। जैसे कि आपको देख रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। हमारे 1 से लेके 4 तक हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में हैं। सो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल के फर्स्ट व्यूअर्स हो, प्लीज़ जाके वो सब आप लोग चेकआउट कर लो। ऑल्सो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ढेर सारा शेयर कर देना। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो एवरीवन, हमारा चैप्टर नंबर 5 दिया गया है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो आपको ये तो पता होगा, लीडरशिप द स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ बीइंग अ मैनर और द पर्सन इन चार्ज। मतलब लीडरशिप, आपके अंडर पे बहुत सारे वर्कर्स आ सकते हैं, ठीक है, आपके अंडर्स पे जो आपके ऑर्डर्स फॉलो कर सकते हैं वो जन, वो आपको लीडरशिप एज अ लीडर मानते हैं, ठीक है, तो वो आपका लीडरशिप हो जाता है। मोटिवेशन हो जाता है द प्रोसेस दैट इनिशिएट गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल्स ओरिएंट बिहेवियर। मोटिवेशन में आपका, ठीक है, आपकी इतनी सी डेफिनेशन आ रही है, तो इसको हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो एवरीवन, लीडरशिप इज अ प्रोसेस बाय विच पर्सन इन्फ्लुएंसेस अदर टू एकम्प्लिश एन ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन अ वे दैट मेक इट्स मोर कोहेसिव एंड कोहेरियंट, ठीक है। यहाँ पे कोहेसिव का मतलब स्टिकी आ जाएगा और कोहेरियंट का मतलब आइडियाज़ और थॉट्स के साथ आ जाएगा, ठीक है। सर्वियन, लीडरशिप क्या है वो तो सन में आ गया होगा आपको। अब ले चलते हैं इसके इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप में, जो कि दिए गए हैं यहाँ पे। मोटिवेशन, प्रोवाइडिंग गाइडेंस, क्रिएटिंग कॉन्फिडेंट, बिल्डिंग मोरल, बिल्ड्स वर्क एनवायरमेंट, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखते हैं मोटिवेशन। तो जो आपका लीडर है, अगर आपके अंडर, आप उसके अंडर पे काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपसे कुछ नहीं बन रहा, बन भी रहा है, तो वो आपको मोटिवेट कर सकता है, ठीक है, तो वो आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप में आ जाएगी, ठीक है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस, वो आपको बता रहा है कैसे करना है क्या नहीं करना है, तो वो आपकी गाइडेंस में है। क्रिएटिंग कॉन्फिडेंट, अगर किसी जन को नहीं आ रहा है, ठीक है, उनका अगर किसी से अगर ज़रा भी किसी जन से राय ले जाना, मीन्स उनका एडवाइस ले जाना, तो वो हल्का सा उनको कॉन्फिडेंट ला सकता है। क्यों ला सकता है? कि उनकी उनकी राय या उनकी एडवाइस लिया गया है, ठीक है। बिल्डिंग मोरल, ठीक है, तो इसमें आता है कि इसमें वर्क गेटिंग कॉन्फिडेंट, ठीक है, और विलिंग देयर ट्रस्ट, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ बनके वो जो आपका लीडरशिप होता है, लीडर होता है, वो आपको बताता है, ठीक है, ऐसे ऐसे काम दिए जाते हैं उसके अंडर पे, ठीक है। बिल्ड्स अव एनवायरमेंट, ठीक है, अगर इसमें आपका लीडरशिप के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अच्छा है, तो जो आपका एनवायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा बिल्ड्स कर सकता है। अब कोऑर्डिनेशन तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं है कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है। सो एवरीवन, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर, और आपका क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ एक्म्प्लिशिंग इफेक्ट लीडरशिप। तो इसमें सिर्फ आपके इतने आते हैं, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, अच्छा गलत, अच्छा बुरा, ठीक है। इंस्पायरेशन, अगर कोई जन है काफ़ी ऊँची अच्छी जगह पर है, मतलब वो आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो आपके इंस्पिरेशन हुए, तो वो आपको इंस्पायर करते हैं, आपको ये अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। गाइडेंस, तो आपको पता ही है, ग्रेट लीडर्स एग्जिबिट्स करेज। सो यहाँ पे करेज का मीन्स आ जाएगा द एबिलिटी टू कंट्रोल फियर इन अ सिचुएशन दैट मे बी डेंजरस और अनप्लीजेंट। मीन्स कोई भी कंडीशन है डेंजरस है, तो उसको कम से कम वो एबल तो है कि उसको सामने रह के उसको सामना तो कर सकता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी बताने की ज़रूरत नहीं है। कमिटमेंट एंड एम्बिशन, मतलब अपने काम के प्रति कितना पैशनेट होना, ये एक अच्छी क्वालिटी होती है गुड लीडर की, ठीक है। सो एवरीवन, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।